डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो डॉट्स जो है वो कम्युनिटी मेडिसिन में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए डॉट्स क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये क्या है कि अपन जब टीबी के पेशेंट को देखते हैं तो टीबी का पेशेंट का अपन ट्रीटमेंट करते हैं। तो इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट एंड केयर स्ट्रेटजी विच कम्बाइन द बेनिफिट ऑफ सुपरवाइज ट्रीटमेंट विद द कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो आप टीबी के पेशेंट को मेडिसिन देते हो वो खा रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, आपने तो एडमिनिस्टर कर ली, पर वो टेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए डॉट्स होता है, ऑब्जर्व करते हैं अपन। जैसे डॉट्स जो है इसके 5 कंपोनेंट होता है, एक तो पॉलिटिकल कमिटमेंट, गुड क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग और अकाउंटेबिलिटी। 5 अगर सक्सेस ऑफ डॉट, कब सक्सेस होगा, जब पॉलिटिकल कमिटमेंट होगा तब जाके तो वो सक्सेसफुल होगा। गुड क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी की जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट देंगे अपन, और अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स, अकाउंटेबिलिटी, ये 5 इसके क्या है सक्सेस ऑफ द डॉट्स कंपोनेंट्स हैं। और इंश्योर हाई क्योर रेट्स थ्रू 3 कंपोनेंट। हाई क्योर रेट कब देखने को मिलेंगे, उसके 3 कंपोनेंट हैं, अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, सुपरविजन एंड मोटिवेशन बाय द हेल्थ एंड नॉन हेल्थ पर्सन, और मॉनिटरिंग ऑफ डिसीज बाय द हेल्थ सर्विसेस। तो डॉट्स इज गिवन बाय पेरिफेरल हेल्थ स्टाफ डॉट्स एजेंट। जैसे यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हो वर्कर्स के द्वारा। और तो हमने क्या देखा कि ये जो गिवन बाय पेरिफेरल स्टाफ, पेरिफेरल हेल्थ स्टाफ जैसे कि डॉट एजेंट जो है वो कौन देता है, आपका मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हो गए, वॉलेंट्री वर्कर्स लाइक टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और डाइस, ये लोग आपको डॉट्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें इंसेंटिव होनोरेरियम पेड 150 पर पेशेंट कंपेलिंग ट्रीटमेंट कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट। तो एक पेशेंट ने अगर अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए कितना उसको पेमेंट मिलेगा, 150 पर पेशेंट। और ड्रग आर सप्लाइड इन पेशेंट वाइज बॉक्स कंटेनिंग फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे इसमें 2 फेज होती है, एक होती है इंटेंसिव फेज और एक होती है कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में क्या होता है, ईच ब्लिस्टर पेक हैज 1 डे मेडिकेशन, और कंटिन्यूएशन फेज में ईच ब्लिस्टर फेज एस 1 वीक मेडिकेशन। तो एक क्या हो गया इंटेंसिव फेज में एक ब्लिस्टर में 1 दिन की मेडिसिन रहेगी, और कंटिन्यूएशन फेज में एक ब्लिस्टर पैक में 1 वीक की मेडिसिन रहेगी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डॉट्स एडमिनिस्टर करने के प्रिंसिपल्स क्या है। डॉट्स इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। डॉट्स जो है ड्यूरिंग द इंटेंसिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट अ हेल्थ वर्कर आर अदर ट्रेन पर्सन वॉचेस एज द पेशेंट स्वेलो द ड्रग इन द प्रेजेंस। मतलब क्या है कि जो हेल्थ वर्कर है या जो डॉट्स प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, वॉच करेगा पेशेंट को कि पेशेंट स्वेलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ड्रग को उसकी प्रेजेंस में। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन फेज, अब अपन कंटिन्यूएशन फेज में तो 1 वीक की मेडिसिन देते थे तो उसको तब कैसे पता चलेगा। द पेशेंट इज इशूड द मेडिसिन फॉर 1 वीक इन मल्टीब्लिस्टर कॉम्बी पैक ऑफ विच द फर्स्ट डोज इज स्वेलोड बाय द पेशेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ वर्कर और ट्रेंड पर्सन। फर्स्ट डोज तो हेल्थ वर्कर की प्रेजेंस में पेशेंट लेगा, लेकिन बाद वाले का पता कैसे चलेगा। कंजप्शन ऑफ मेडिकेशन मेडिसिन इन द कंटिन्यूएशन फेज इज ऑल्सो चेक बाय द रिटर्न ऑफ एम्प्टी मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक। मतलब वो जो कॉम्बी पैक है, मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक है, वो रिटर्न करेगा तो वो खाली मिलेगा। अगर वो भरा है तो पेशेंट ने नहीं खाया, और अगर खाली है तो पेशेंट खा लिया। यानी कंटिन्यूएशन फेज में अपन एक डोज तो हेल्थ वर्कर की प्रेजेंट में पेशेंट लेगा, उसके बाद वाले डोज जो है वो मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक को देख के अपन पता करेंगे। व्हेन द पेशेंट कम टू कलेक्ट मेडिसिन फॉर नेक्स्ट वीक इन दिस प्रोग्राम अल्टरनेट डे ट्रीटमेंट इज यूज। पेशेंट कॉम्प्लियंस इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ द ट्रीटमेंट। ऑल अदर कंडीशंस कंसिडरेशन आर सेकेंडरी। ड्रग आर गिवन कैटेगरी वाइज, सम रेजिमेन इज नॉट गिवन टू ऑल पेशेंट। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन इन कैटेगरी सेकेंड ओनली। कैटेगरी सेकेंड में ही अपन स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। और कैटेगरी 1 में क्या होता है, न्यू स्पूटम स्मियर पॉजिटिव केस स्पूटम एग्जामिनेशन इज डन इन 2, 4 एंड 6 मंथ। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, आपका जो डॉट्स अगर आपसे पूछता है तो इसके सक्सेस के 5 कंपोनेंट
एनी पॉलिटिकल कमिटमेंट, गुड क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स और अकाउंटेबिलिटी। फिर थ्री कंपोनेंट हाई क्योर रेट को बताते हैं, तो वो कौन से, अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, सुपरविजन एंड मोटिवेशन बाय हेल्थ एंड नॉन हेल्थ पर्सनल, और मॉनिटरिंग ऑफ डिसीज बाय हेल्थ सर्विसेज। फिर जो डॉट्स है उसमें स्टाफ कौन होगा, उसमें डॉट्स एजेंट जो है वो पेरिफेरल स्टाफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हो गए, वॉलेंट्री वर्कर्स लाइक टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो इनके एक पेशेंट को अगर अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेगा तो उसमें 150 मिलेगा, 150 पर पेशेंट। और पेशेंट इसमें दो फेज में डिवाइड किया गया, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में एक ब्लिस्टर में एक दिन की मेडिकेशन रहेगी, और कंटिन्यूएशन फेज में ईच ब्लिस्टर पे केस 1 वीक मेडिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ डॉट्स हमने देखी कि डॉट्स क्या, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी है ना, और इंटेंसिव फेज देखा, फिर अपन ने कंटिन्यूएशन फेज में कैसे करना है ये हम समझ चुके हैं, ठीक है।